आयकर विभाग की बेनाम संपत्ति पर नजर। आयकर विभाग की नई मुहिम के तहत अब उनकी नजर कई शहरों में फंसे बेनाम संपत्ति मालिकों के खिलाफ है। सूत्रों की माने तो ऐसे करीबन 300 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अवैध रूप से कमाई कर रखी है और कानून के तहत अब ऐसे लोगों पर मुकदमा चल सकता है। रियल एस्टेट को मिला प्रोत्साहन, PMY और होम लोन के चलते बड़ी घरों की मांग। काफी समय से रियल एस्टेट शांत पड़ा हुआ था और अब अचानक से रियल एस्टेट में तेजी देखने को मिल रही है। देश के 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री में 21% का इजाफा देखने को मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन शहरों में सबसे ज्यादा मांग बढ़ रही है घरों की, उनमें कोलकाता सबसे ऊपर है जहां 47% का ग्रोथ रेट देखा गया है। अंबुजा सीमेंट को नोएडा लैंड डील मिलने पर कुछ लोगों ने अलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करी है। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा लैंड डील जो कि अंबुजा सीमेंट को मिल गई थी उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत में जवाब मांगा है। कुछ लोगों ने यह दावा किया था कि बादलपुर, धूम मणिपुर, अवधपुरा विलेज को यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने प्लांट इंडस्ट्रियल के नाम पर खरीद लिया था जिसको बाद में कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से अपने नाम कर लिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने अनाधिकृत प्लॉट्स के सेल को मंजूरी दे दी है। एक बड़े फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने उन प्लॉट्स के सेल को मंजूरी दे दी है जो अनाधिकृत है। ऐसे प्रॉपर्टीज को मंजूरी हाई कोर्ट ने यह कहकर दी है कि अगर वे नए नियमों के अनुसार काम नहीं करेंगे तो उनकी जमीन ले ली जाएगी। जहां कुछ लोग खुश हैं, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोर्ट के इस फैसले से नाखुश हैं। रियल एस्टेट मार्केट को फिर से परिभाषित करेगी 4 नई नीतियां। साल 2017 प्रॉपर्टी मार्केट को एक नई परिभाषा देगी। रेरा, GST, PMA एवं REIT के आ जाने से काफी कुछ बदलेगा। इन 4 चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब ग्राहक घर खरीदने का फैसला कर सकते हैं।